नमस्कार, मैं श्रेया तिवारी के बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ। आजमगढ़ जो श्रेया तिवारी के बारे में चल रहा है चर्चा, जो भी स्कूल के बारे में हुआ स्कूल से, तो अच्छा नहीं लगा जो भी हुआ। अब क्या था क्या नहीं था तो ये तो श्रेया ही बता सकती है, वो तो अब हम लोग के साथ में है नहीं। लेकिन स्कूल वाले ने भी जो भी किया अच्छा नहीं किया, क्योंकि एक माँ होती है अपने बच्चों को भेजती है, एक अपने बच्चों को डर नहीं रहता कि हमारे बच्चे स्कूल गए, अच्छे से जाएंगे अच्छे से आएंगे। ऐसी माँ एकदम चिंता से दूर रहती है कि हमारे बच्चे सुरक्षित है स्कूल में, और हम बच्चे को जब भेजते तो ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ के आएंगे अच्छे से, तो हम उनको ये चीज़ देंगे, खाने को वो चीज़ देंगे, एक हम उनका इंतज़ार करते हैं। लेकिन हमको क्या पता रहता है कि हमारे स्कूल में हम बच्चे को भेज रहे हैं तो हमारे बच्चे के साथ में ऐसा हो जाएगा, स्कूल में ही हो जाएगा। हम क्यों स्कूल भेजते हैं? अच्छा शिक्षा के लिए भेजते हैं, पढ़ाई के लिए भेजते हैं कि टीचर उनको अच्छा ज्ञान दे, अच्छा चीज़ बोले उनको, कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चे को समझाए, या कुछ भी अगर बच्चे कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को बुलाए, उनके पेरेंट्स को बताए। ये नहीं कि बच्चे लोग को टॉर्चर करे, और बच्चे लोग इतना इतना टॉर्चर हो जाए कि अपने आप को ख़त्म कर डाले, ये गलत है। और आज की जो स्कूल वाले कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्कूल वाले, गलत है, बहुत गलत है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप मत टीचर मत बनिए, प्रिंसिपल मत बनिए, आप स्कूल चलाने लायक नहीं हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे के बारे में आप बोलना चाह रहे हो कि कुछ गलत है सही है, अगर मोबाइल की वजह से आपने इतना बड़ा ये किया तो बहुत बहुत गलत किया। आप कौन होते हो इतना बड़ा उसको सजा देने वाले या बोलने वाले? माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं कि हमारे बच्चों को थोड़ा भी तकलीफ ना हो? और हम पेरेंट्स लोग भी सिखाते हैं कि बड़ों से अच्छा से रहना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वैसा बोलना नहीं चाहिए, तो बच्चे वो वैसे ही करते हैं। और आप लोग स्कूल में जब कोई चीज़ बताते हो बच्चे लोग को, तो इतना उसको टॉर्चर कर दिए कि वो जान ले ले, ये गलत है। और अगर मेरी बेटी हो या पूरा समाज की जितने भी बेटियां हैं, अगर उन लोग को कुछ भी अगर प्रॉब्लम है या कुछ कर रही है लड़कियां, या गलत भी कुछ भी हुआ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसी का भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आप उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अगर नहीं समझे तो आप उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं, पेरेंट्स को बुला के उनको बोल सकते हैं कि आप अपने बच्चे को समझा दो, गलत है ये सही है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप खुद ही डिसीजन लेने का, खुद ही उसको पनिश करने का, और ये सब काम करने के लिए उसको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि वो जान ले ले। फिर अभी पेरेंट्स लोग क्या करेंगे, अभी कैसा विश्वास करें कि हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित है? और बच्चे लोग को भी मैं बोल रही हूँ कि अब पेरेंट्स लोग को भी मैसेज छोड़ रही हूँ, बच्चे लोग को भी मैसेज छोड़ रही हूँ कि कोई भी गलत कर रहा है, चाहे स्कूल में कुछ गलत हो रहा है चाहे बाहर हो रहा है, तो आप लोग आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ। अगर कोई कुछ कर रहा है तो अपने मम्मी पापा को बताओ, अपने फ्रेंड को बताओ, बर्दाश्त मत करो। ये अभी ऐसी दुनिया नहीं है बर्दाश्त क्या। और अभी तो लड़कियां बहुत आगे निकल चुके हैं बोलने में, चाहे हर चीज़ में, तो आप क्यों सुसाइड कर रहे हो? आप फ्रेंड बनो, माँ के फ्रेंड बनो। और पेरेंट्स को भी बोल रही हूँ कि अपने बच्चे को एकदम सिखाओ कि अपने फ्रेंड के जैसे बात करने के लिए, ऐसा
गलत चीज है तो उस पर लड़ने के लिए बोलो, ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई बोल दिया ज्यादा ये किया तो उधर चुप रहने का, सुसाइड कर लेने का, ये गलत है। मेरा यही कहना है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चे को अच्छा से समझे और बच्चे भी अपने पेरेंट्स को अच्छा से समझे, दोनों लोग अच्छा से रहे। और इतना मेरा मैसेज है कि माँ बाप बहुत सपना लेके पढ़ाते लिखाते बड़ा करते हैं, एक चोट आती है बच्चे को तो 10 बार वो देखती है कि मेरे बच्चे को कहाँ लग गया कहाँ लग गया, और 1-2 मिनट में और सुसाइड कर लिया तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी। ये तो हम सोच के इतना रो रहे थे, जिसके माँ बाप का बच्चा गया तो उनके ऊपर क्या बीतता होगा। बस यही कहना है मुझे।